हेडलाइन, प्रधानमंत्री की रैली से पहले आजमगढ़ में तैयारी का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक, पीएम 34,500 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। आजमगढ़ में 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर मंदूरी हवाई पट्टी व बगल में कार्यक्रम स्थल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिन में पहुंचकर जायजा लिया और भाजपा नेताओं व प्रशासन तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए भाजपाइयों को पूरी ताकत से लग जाने को कहा। वहीं सुरक्षा व अन्य मानकों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान करीब एक घंटे तक कार्यक्रम स्थल पर रहने के बाद बैठक कर मुख्यमंत्री वापस चले गए। वहीं मामले में आजमगढ़ के डीएम विशाल भारद्वाज ने बताया कि प्रधानमंत्री आजमगढ़ के हवाई अड्डे के साथ ही एनएचआई, रेलवे व अन्य विभाग के करीब 34,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। उन्होंने बताया कि करीब 12 से 1.30 बजे तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा। अभी मिनट टू मिनट प्रोग्राम नहीं आया है। वहीं एडीजी वाराणसी पीयूष मोर्दिया ने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो भी मानक तय हैं उसका पालन कराया जा रहा है। इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं और उसकी समीक्षा की गई है। रैली से एक दिन पूर्व सुरक्षा व्यवस्था का रिहर्सल भी कराया गया। सभी कुछ दुरुस्त मिला है। सुनते हैं मामले में डीएम और एडीजी ने क्या जानकारी दी। बाइट डीएम और एडीजी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनपद आजमगढ़ में यहाँ पर जो मंदूरी में हवाई अड्डा है उसका लोकार्पण किया जाएगा और उसके साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई, रेलवेज एवं अन्य कई विभागों के लगभग 34,500 करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास किया जाना प्रस्ताव। कितने बजे कार्यक्रम का टाइमिंग? अभी जो संभावित है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, वो लगभग 12 बजे से 1.30 बजे के बीच यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होगा। जनपद पुलिस और प्रशासन ने आजमगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को देखते हुए जो मानकों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए पूरी की है और उसमें सभी पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग भी की जा चुकी है। अधिकारियों को बुलाकर उन्हें भी ब्रीफ किया जा चुका है, उनकी ड्यूटी के बारे में समझाया जा चुका है। साथ ही आज उसकी रिहर्सल भी की जा रही है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे जनपद आजमगढ़ में जो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न कराया जाएगा। कितने लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानकों के अनुसार पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है उसमें मल्टीपल लेयर्स में सुरक्षा की जाती है। 3 लेयर्स तो हमारे जो जनसभा स्थल पर बनाए ही गए हैं, इसके अलावा भी जनपद में जो बाकी स्थान हैं वहाँ पर पुलिस द्वारा आज भी चेकिंग इत्यादि कराई जा रही है। हवाई अड्डे के आसपास का भी पूरा इलाका, सारे गांवों में वेरिफिकेशन की एक्सरसाइज की गई है और बड़े जो है वृहद स्तर पर ये सारी कार्रवाई की गई है और जो है हमारे पुलिस की टीमें यहां पर भी एंटी सबॉटेज चेक टीम्स और ड्रोन इत्यादि से जो सुरक्षा की जानी चाहिए वह भी की जा रही है। थैंक यू।